अमूमी तौर पे जब वली का जिक्र आए तो उसके साथ करामत का तसव्वुर साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये बात जहन में रखें कि ये वली को अल्लाह की तरफ से दिया गया एजाज़ तो है, लेकिन ये वली की अलामात से नहीं है। यानी वली के लिए जो शर्तें हैं, जो निसाब है, वो ईमान और तकवा है। अगर किसी के अंदर ये दो खूबियाँ पाई जाएँ और वो कमाल दर्जे की मौजूद हों लेकिन करामत आप तक ना पहुँचे या ज़हूरी ना हो सारी ज़िंदगी, तो उसके वली होने में शक नहीं है। और एक शख्स के अंदर आप करामत देखें लेकिन ये दो खूबियाँ ना पाई जाएँ तो उसको हम करामत ही करार नहीं दे सकते, वो इस्तदराज होगा। हर वो खर्क आदत अमर जो बग़ैर किसी शख्स से ज़ाहिर हो और हो खर्क आदत मा फोकुल फितर चीज़ हो, तो उसको कुदरत इलाहिया कहेंगे। और अगर वो नबी के हाथों से ऐलान नबूवत से पहले सादर हो जाए तो उसे इरहास कहा जाता है, ऐलान नबूवत के बाद ज़ाहिर हो तो उसे मोजज़ा कहा जाता है, और वही चीज़ किसी वली के हाथ से ज़ाहिर हो तो उसे करामत कहा जाता है, और अगर किसी आम बंदा मोमिन के हाथों से ज़हूर पज़ीर हो तो उसे मऊनत कहा जाता है, और अगर वही काम किसी काफिर से या किसी फासिक व फाजर के हाथों से ज़ाहिर हो तो उसे इस्तिदराज कहा जाता है, जिस तरह दज्जाल के हाथों से कुर्ब क़यामत में होगा कि वो मारेगा भी और ज़िंदा भी करेगा। अब इस्तिदराज में और करामत में फ़र्क करना ये आम आदमी के बस करोगी नहीं है, वो कैसे करेगा? तो उसके लिए सादा कुलिया ये है कि ईमान और तकवे की शर्त के साथ उस चीज़ को करामत कहा जाएगा, और अगर ये दोनों शर्तें नहीं पाई जा रही तो वो फिर इस्तदराज होगा। तो इसलिए वली को पहचानने के लिए करामत मयार ही नहीं हुआ, करामत निसाब ही नहीं हुआ, वली को पहचानने के लिए ईमान और तकवा हुआ। अगर करामत को मयार बना लेंगे तो फिर इस्तदराज वाले को भी वली मानना पड़ेगा, और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों के ऊपर जो किसी बड़े बुजुर्ग की गद्दी पे बैठ गया या वो चार लोगों ने उसको मान लिया या उसके शोबदे चल गए और शरीयत का वाज़े तारक है और लोग उसको अल्लाह का वली मान रहे होते हैं, इसलिए कि उनके यहाँ मयार वो नहीं है जो कुरान ने दिया है। कुरान ने दिया अल्लाह जीना आमनू वकानू यत्ताकून, और करामत मयार नहीं है, वो एक समरा है, उस समरे को पहचाना जाएगा इस असल निसाब के बाद। उसको सिर्फ एक मिसाल से समझाता हूँ। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा ने कशफुल माजूब में ये वाक्या लिखा है, कहते हैं कि शेख अली अल खवास एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो सफ़र पे जा रहे थे और साहिब हाल थे, बाकमाल थे, वाकईतन अल्लाह के वली थे। एक शख्स आया और हांफता कांपता उनके पास आके रुका, कहा आप शेख अली अल खवास हैं? फरमाया हाँ। तो कहा कि मैं लंबा सफ़र करके आया हूँ और आपकी सोहबत में कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपनी सोहबत के शरफ़ से महरूम ना रखिए। तो हज़रत शेख अली अल खवास ने मुराकबा किया और उसे कहा कि मुझे तेरे बदन से कुफर की बू आ रही है। अल्लाह वालों को अल्लाह ने बसीरत का नूर दिया होता है। उसने कहा जी मैं नसरानी हूँ और दियार गरब से आया हूँ, आपकी शोहरत सुनी थी तो आपकी सोहबत में कुछ वक्त गुजारने की आरज़ू है, मुझे महरूम ना रखिए। शेख कहते हैं मैंने टालना चाहा, मैंने कहा कि मेरी सोहबत में रहना बड़ा मुश्किल होगा, तकलीफ़ें सहना पड़ेंगी। उसने कहा जी मैं गवारा करूँगा। फरमाया ठीक है। कहा कि मैं चलता गया और वो भी मेरे साथ था। आठ दिन गुजर गए, कभी खाना मिलता, कभी दो लुकमे ले लेते, कभी पानी पी के गुजर औकात होती, कभी घास खा लेते। एक दिन उसका वजूद कप कप आ रहा था भूख की शिद्दत की वजह से। उसने मुझे कहा शेख आप अल्लाह के बंदे हैं, मैंने अहद तो किया था कि कोई आपसे मुतालबा ना कर पाऊँ, लेकिन अब मेरी सख्त जवाब दे गई, तो आप अल्लाह के मुकर्रब हैं तो अल्लाह के उस कुर्ब की वजह से उससे दुआ कीजिए तो वो मेरे और आपके खाने का इंतज़ाम करते हैं। कहते हैं कि मैं उसकी हालत को देख करके सजदा रेज़ हो गया और अल्लाह की बारगाह में मैंने ये दुआ की मालिक इस काफिर के सामने रसवा न करना। कहा जब मैंने सर उठाया तो आसमान से एक तबक उतरा जिसके ऊपर दो प्याले शरबत के थे और दो रोटियां थी, तो मैंने एक प्याला और एक रोटी उसको दे दी और एक ख़ुद ले ली और फिर सफ़र शुरू हो गया। आठ दिन फिर गुजर गए, फिर एक दिन वही हालत कि उसका बदन कप कपाने लगा, तो मेरे दिल में आया कि रोज़ रोज़ हालत एक जैसी नहीं होती, तो
उस दिन तो लाज रह गई थी, तो कहीं आज ये फिर ना बोल पड़े। तो कबल इससे कि ये बोले, मैंने बोल करके कहा कि तू भी ईसाइयों का बहुत बड़ा पीर पादरी है, तो आज तेरी बारी। तो कहते जब मैंने उसको कहा तो उसने भी सजदे में सर रख दिया। और मैं दिल ही दिल में सोचा कि इसका सजदा रेज होना क्या माना रखता है, जब ईमान ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब उसने सर उठाया तो आसमान से भी तबक उतरा जिस पर चार प्याले शरबत के और चार रोटियां थी। तो उसने दो रोटियां और दो प्याले मेरी तरफ बढ़ाए और दो प्याले और दो रोटियां अपनी तरफ कर ली और कहा कि कोलिया शेख खाइए। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा, इसलिए कि करामत हो नहीं सकती और इस्तदराज का खाना जो है वो मैं खा नहीं सकता। चूँकि तुम काफिर हो तो मैं इस्तदराज का खाना खाऊं तो ये नहीं हो सकता। तो उसने कहा कुल या शेख, शेख खाइए और मेरी तरफ़ से दो मुबारकें वसूल कीजिए। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा क्या मुबारकें? उसने कहा मैंने सजदे में सर रखा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, ऐ अल्लाह अगर इस्लाम सच्चा दीन है तो दो प्याले और दो रोटियां अता कर दे, और अगर अली अल खवास वाकई तेरा वली है तो दो प्याले और दो रोटियां इसके सदके से दे दे। तो एक तो आपको आपकी विलायत की मुबारक हो और दूसरा हाथ बढ़ाइए और मुझे इस्लाम में दाखिल कीजिए, इस्लाम सच्चा दे। तो शेख अली अल खवास के इस वाकया को जिक्र करने के बाद दाता गंज बख्श अली हजवेरी फरमाते हैं कि अली अल खवास जैसा शख्स भी यहाँ परेशान हो जाए कि खुदाया ये इस्तदराज है या करामत, तो कहा फिर आम आदमी कैसे फैसला कर सकता है कि ये इस्तदराज है या करामत? तो कहा कि उसको यही देखना पड़ेगा ईमान और तकवा है कि नहीं। तो ईमान और तकवा ये अलामत है किसी के वली होने की।